बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर आतिफ अफजल और ViDHiPPO.com की जानिब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप दोस्त जो है वो खुश होंगे और इंजॉय करते होंगे यूज़र अपनी लाइफ में। यूज़र, आज की वीडियो का टॉपिक वो है कि एक मैंने काफ़ी देर पहले एक वीडियो शेयर की थी उर्दू टाइपिंग के हवाले से कि आप उर्दू टेक्स्ट को जो है वो उर्दू रोमन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वेबसाइट आप दोस्तों के साथ शेयर की थी। आप दोस्तों ने इस वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत से लोगों ने इससे फायदा भी उठाया और पिछले कुछ दिन से मुझे इस वीडियो के हवाले से बहुत से कमेंट्स मौसूल हो रहे थे कि हम इस को अब यूज करते हैं तो ये जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही वेबसाइट। पहले क्या होता था कि भी लोगों का कहना था, मुझे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट में और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए, कुछ दोस्तों की कॉल भी आई मुझे कि ये जो है वो हम पहले काफ़ी अच्छा काम कर रही थी वेबसाइट लेकिन अब ये काम नहीं कर रही। आई जनून के नाम से ये वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा और जो पुरानी वीडियो है वो भी मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा और आई बटन पर भी उसका लिंक दे दूंगा। वो वेबसाइट अभी भी काम कर रही है लेकिन मसला उसमें ये आ रहा है कि साइट के डेवलपर ने उसकी लिमिट्स लगा दी हैं। ऐसा होता है कि भी सर्वर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अगर वो वेबसाइट जो है वो ज्यादा यूज होनी शुरू हो गई थी और उसको सर्वर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने बैक साइड पर उसकी जो है वो लिमिट लगा दी है कि आप इतने वर्ड तक जो है वो उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। और लोगों का कहना था कि इस लिमिट से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। पहले क्या होता था, पूरे के पूरे एक आर्टिकल को कॉपी करते थे और वहां पे जाके पेस्ट कर देते थे और इजीली जो है वो रोमन उर्दू में कन्वर्ट हो जाती थी। लेकिन अब क्या करना पड़ता है, कुछ टेक्स्ट को कॉपी करना पड़ता है, फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ को कॉपी करना पड़ता है, सो ऑन, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो उनके साथ आ रही थी। तो ये एक मुश्किल थी लेकिन मैंने कोशिश की कि इस हवाले से कोई नई वेबसाइट ऐसे यूज की जाए जो इस काम को करती हो। तो उस हवाले से मुझे एक एंड्रॉयड मोबाइल की एक ऐप मिली है, उस ऐप की मदद से भी आप जो है वो अपने उर्दू के टेक्स्ट को जो है वो रोमन उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस ऐप के बारे में मैं आपको जो है वो आज की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूजर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आपको फायदा देती हैं वो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और मेरी उर्दू टाइपिंग की वीडियोस बहुत ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं, इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई उर्दू से रिलेटेड जो है वो आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर करता रहूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल की जानिब, मोबाइल की स्क्रीन आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा और उस ऐप को इंस्टॉल करने का तरीका और उसको यूज करने का तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर ओपन करना होगा और मैं यहां पर प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूं और यहां से हमें उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो मैं यहां पर उर्दू टू रोमन उर्दू कन्वर्टर लिखता हूं तो सबसे टॉप पर जो है ये एक एप्लीकेशन आ रही है, ऐप्स बाय उस्मान डेवलपर्स हैं इसके, और इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूं। तो इस एप्लीकेशन को जो है वो आपने इंस्टॉल करना है, चूँकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इस वजह से ओपन का यहाँ पर बटन हमारे पास डिस्प्ले हो गया। तो यूज़र, ये जो एप्लीकेशन है बिल्कुल न्यू, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई गई है और इस एप्लीकेशन में आप जो है उर्दू टेक्स्ट को जो है वो रोमन उर्दू में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे बॉटम पे राइट हेयर का बटन जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इस बटन पे आपको जो है वो अपनी कोई भी टेक्स्ट को जो है वो पेस्ट करना है और ऊपर आउटपुट का जो सामने डिस्प्ले नज़र आ रहा है यहाँ पर आपका आउटपुट जो है वो आ जाएगा रोमन उर्दू में। तो मैं यहाँ से कोई भी एक वेबसाइट ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं टेक्स्ट जो है वो लेता हूँ। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ उर्दू पॉइंट को और यहाँ से कोई भी आर्टिकल जो है वो हम उसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से ये एक आर्टिकल जो है हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। इस आर्टिकल को जो है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और बिल्कुल मैं यहाँ से वज़ीर आज़म से जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको जो है वो मैं
इस टेक्स्ट को जो है मैं बढ़ा लेता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा से अपनी एप्लीकेशन में जाता हूँ और एप्लीकेशन में जाके राइट हेयर वाले पोर्शन में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो आप ऊपर देखें ये रोमन उर्दू में जो है वो हमारे सामने जो है वो ये टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो इसी तरह ही हम पहले एप्लीकेशन में करते थे, वेबसाइट में करते थे, लेकिन हमें प्रॉब्लम आ रहा था, इस वजह से एक ये छोटी सी एप्लीकेशन मुझे मिली तो आप लोगों के साथ जो है वो उसको शेयर कर दिया। जी तो यूज़र, आज की एंड्रॉयड की ऐप जो है वो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी हवाले से, आईटी के हवाले से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स कीजिए और उसके अलावा जो है वो हमारे वेबसाइट पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी फेसबुक पेज को भी आप जो है ज़रूर लाइक कीजिए। लिंक्स जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएंगे और स्क्रीन पर भी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपने ट्यूटर आतिफ अफजल को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।